हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे एक फ्रेश व्लॉग में स्वागत है। आज पटना का मौसम कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, तो सोचा मैंने भी एक व्लॉग कर लिया जाए। बहुत दिनों से कोई भी व्लॉग मैंने नहीं डाला है अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं जब इधर YouTube देख रहा था तो आजकल एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था, एक पॉपुलर यूट्यूबर फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया हैज़ रिसेंटली मेट विथ एन एक्सीडेंट। तो बहुत सारे लोग इस पर टिप्पणी दे रहे थे, किसकी गलती थी, किसकी गलती है, कैसे उनका डेथ हुआ। मुझे उनके बारे में तो ऐसा कुछ कहना नहीं है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। बट मुझे एक टॉपिक पर डिस्कस करना है जो आजकल YouTube कम्युनिटी में बहुत ट्रेंडिंग सा हो गया है। जैसे लोग आजकल सुपर बाइक्स का क्रेज़ आजकल बढ़ते जा रहा है, और यंगस्टर धड़ल्ले से जिनके पास बहुत पैसा है वो ख़रीद रहे हैं। तो सुपर बाइक से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बट कहते हैं ना कि विथ पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। ओवर स्पीडिंग एक एंडरलाइन रश तो दे देता है, थोड़ी देर के लिए खुशी भी मिल जाती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आजकल के यंगस्टर भूल जा रहे हैं, जिनके माता पिता ने इतने पैसे लगाकर उन्हें सुपर बाइक्स तो दिला दिए हैं, बट वो शायद भूल जाते हैं कि बाइक तो एक कॉमोडिटी है। वो अपने बच्चे की खुशी के लिए बाइक दिला रहे हैं, क्योंकि उनका जिद होता है या जो भी उनका हॉबी होता होगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे उनके माता पिता उन्हें घर वापस देखना चाहते हैं। उनको बाइक से कोई लेना देना नहीं है, अपने बेटे से ही लेना देना है सिर्फ। YouTube स्टंट करके भले ही वो ढेर सारे पैसों कमा ले YouTube पे, लेकिन सारा पैसा रखा रह जाएगा, और उन माँ बाप का दुख तो कोई नहीं समझ पाएगा। तो ओवर स्पीडिंग आज के डेट में, ऐसा नहीं है कि ये आज का ट्रेंड ओवर स्पीडिंग, मैं बहुत सालों से YouTube फॉलो करता आ रहा हूँ। फॉरेन में ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ओवर स्पीडिंग का एंड्रेलिन रश उन्हें बहुत पसंद है, और वो इसी के कारण फेमस भी हैं। लोग जब खुद बाइक उतना तेज़ नहीं चला सकते हैं तो किसी को चलाते हुए यूट्यूब वीडियो पे देखकर वो भी एक डेफिनेटली एक रश फील करते हैं, और उन्हें अच्छा लगता है तभी वो वीडियो देखते हैं। लेकिन यूट्यूब पे देखना 200-300 के स्पीड में भगाना अलग है, और अपने जान पर खेल कर खुद बाइक ड्राइव करना और वीडियो बनाना एक डिफरेंट है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सुपर बाइक्स रखिए, स्पीड भी कीजिए, क्योंकि अब 1000 cc की बाइक्स है, 1200 cc की बाइक्स है, तो 30-40 डेफिनेटली चलाने में उन्हें मज़ा तो आएगा नहीं। तो 100-200 लोग करते हैं, लेकिन उनके लिए भी एक पर्टिकुलर
मेरे ख्याल से कोई ट्रैक होना चाहिए, यह है भी रेसिंग ट्रैक जो होता है, उन पे जाकर आप 200 कीजिए, 300 कीजिए, आप कंट्री को रिप्रेजेंट कीजिए मोटो स्पोर्ट्स में, तब कोई आपका नाम भी होगा। बट फॉर द सेक ऑफ YouTube वीडियोस और कुछ पैसों के लिए अपना जान रिस्क पे लेना मुझे नहीं लगता ये कहीं की समझदारी है। और ये अब तो ट्रेंड बनता ही चला जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि कोई इसे रोक पाएगा, क्योंकि यंगर जनरेशन जो देखते होंगे उन्हें लगता होगा कि इट्स इजी मनी। लेकिन मैंने भी चैनल इधर ही स्टार्ट किया है, लेकिन मुझे ये तो रियलाइज़ हो गया होगा यूट्यूब पर सब कोई ग्रोथ नहीं कर पाता है, और शायद ही किन्हीं का किस्मत अच्छा है या फिर खूब मेहनत करके धीरे धीरे ग्रोथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। बट देखिए, एक घर में बैठकर YouTube कंटेंट बनाना और रोड पे ट्रैवल करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ रिस्क भी ले जा रहे हैं, और रोड आप इंडियन रोड्स का कंडीशन जानते ही हैं, कोई भी इंडियन रोड्स इतना सेफ़ तो है नहीं कि आप 100% बोल सकते हैं कि मैं यहाँ से यहाँ ट्रेवल सेफ करने जा रहा हूँ। तो देयर आर टू मैनी रिस्क इन्वॉल्व इन ट्रेवलिंग वीडियोज़ ऑल्सो। आप रेस का तो छोड़ दीजिए, देखो दो तीन तरह के यूट्यूबर आजकल फेमस हैं, एक तो बाइक पर ट्रिप कर दैट लोकेशन दिखाते हैं आपको अलग अलग घूम कर, वो फिर भी मैं अच्छा मानता हूँ क्योंकि दे आर लिटिल बिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल राइडर। और लेकिन और दूसरे तरह के हैं जो सिर्फ स्पीड दिखा के, सुपर बाइक्स दिखा के व्यू पा रहे हैं। तो दोनों वीडियो ही बना रहे हैं, बट दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप सुपर बाइक्स रखते हैं और थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलाते हैं, और आप एक अपने मन में ठान लेते हैं कि ये सिर्फ मैं अपने लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये यंगर जनरेशन भी इसे देख रही है, फॉलो कर रही है, तो बस एक छपरी की तरह वीडियो बना दिया बाइक को स्टंट करते हुए, चक्का उठाते हुए। भाई टू व्हीलर है, वन व्हीलर बनाने का क्यों इसे शौक़ लोगों को चढ़ा रहता है मुझे पता नहीं। देखिए, जो जिनको जो करना हो तो करेंगे ही, मेरे और आपके, मेरा तो ऐसे भी यूट्यूब चैनल बहुत छोटा है, अभी इतना रीच भी नहीं है कि बहुत सारे लोगों के पहुंच के पास पहुंच जाएगा, बट स्टिल जितने भी लोगों के पास पहुंचे, मेरा कहने का मकसद यही है कि पावर बाइक्स के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझिएगा तो इस तरह के न जाने कितने सारे और यूट्यूबर्स के डेथ होते रहेंगे ओवर स्पीडिंग के कारण या फिर स्टंट्स के कारण। मैंने एक चैनल देखा था जिसमें एक हैशटैग चलाया जा रहा था कि घर पर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, वो बहुत सही मैसेज कन्वे कर रहे थे कि आप कितना भी घूम लें, लेकिन सही बात है कि आपका घर पे कोई वेट कर रहा है, ये कभी नहीं भूलें। और ये बात आप जब एक बार समझ लीजिएगा कि आपका कोई घर पे वेट कर रहा है, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगा। आप सोचिए कि आपके माँ बाप घर पे अगर वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ड्राइव करेंगे। मेरे इस छोटे से वीडियो का बस यही मकसद था कि टू स्प्रेड अ स्मॉल मैसेज ऑफ क्या यार, और सिर्फ पैसा ही सब कुछ दुनिया में नहीं होता है, आप जब चले जाइएगा तो आपका पैसा सारा यहीं रखा रह जाएगा, आपका नेम फेम सारा यहीं रखा रह जाएगा, लेकिन आपके माँ बाप को तकलीफ़ को आप देखने नहीं आ पाइएगा।